आखिर कौन है लॉरेंस बिश्नोई? क्या सलमान खान को मारना इतना आसान होगा लॉरेंस बिश्नोई के लिए? जेल में बैठकर कैसे चलाता है पूरा का पूरा गैंग? देश विदेश में फैला हुआ है इसका गैंग। सिद्धू मूसेवाला, बाबा सिद्दीकी और सलमान खान के बाद पांच और टारगेट कौन से हैं लॉरेंस बिश्नोई के? आखिर लॉरेंस बिश्नोई इतना ताकतवर है कि अच्छे अच्छे दिग्गजों की हवा टाइट कर देता? आखिरकार छात्र नेता से गैंगस्टर कैसे बना लॉरेंस बिश्नोई? लॉरेंस बिश्नोई के पास 700 से ज्यादा शूटर है, कैसे हाई प्रोफाइल टारगेट करता है लॉरेंस बिश्नोई? कई देशों में नेटवर्क कैसे बनाया है लॉरेंस बिश्नोई ने? और साथ ही बात करेंगे क्या लॉरेंस बिश्नोई की क्राइम हिस्ट्री रही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीतार और आप देख रहे हैं आरएनएल टीवी इंडिया। तो आज की वीडियो काफी जानदार और शानदार होने वाली है, एंड तक जरूर देखना। और उससे पहले वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपने हमें फेसबुक पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो भी करना, और हाँ वीडियो को इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना। दोस्तों बीते दिन बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में एजेंसियों से लेकर आम आदमी की जुबान पर एक ही नाम है, वो है लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त गुजरात की साबरमती जेल में बंद है और बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद केस में साफ हो चुका है कि इस क्राइम के पीछे लॉरेंस बिश्नोई का ही हाथ है। लॉरेंस बिश्नोई 2 सालों में 3 बड़े मर्डर केस कर चुका है और साथ ही इसकी वजह से देश में ही नहीं और कनाडा पुलिस भी इसको कस्टडी में लेना चाहती है। साल 2022 में पंजाब के मनसा गांव में पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई। 2023 में कनाडा के खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या और हाल ही में मुंबई में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या करने के आरोप में लॉरेंस बिश्नोई के ही है। अब सवाल उठता है कि लॉरेंस बिश्नोई इतना ताकतवर कैसे है? किस प्रकार से इसका साम्राज्य पूरे देश नहीं यानी कि विदेशों में भी फैला हुआ है? अगर अमेरिका की बात करें या फिर कनाडा की बात करें, ऑस्ट्रेलिया समेत कई ऐसे देश हैं जहां लॉरेंस बिश्नोई का दबदबा चलता है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई तो गुजरात की साबरमती जेल में बैठा हुआ है। लेकिन आखिर कैसे इतना बड़ा नेटवर्क बन गया? लेकिन लॉरेंस बिश्नोई का कहना है वह किसी भी देश में कोई भी काम कर सकता है। जब भारत के युवा बसे हुए पंजाब पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार बिश्नोई के करीबी सहयोगी संपत नेहरा हरियाणा के ऑपरेशन की देखरेख करता है, जबकि गोल्डी बराज जो संयुक्त राज्य अमेरिका में रहता है और भारत के बाहर और पंजाब के ऑपरेशन की देखरेख करता है, वही दीपक कुमार और फुटीनू रविंदर और काली राजपूत और संदीप और काला जठेरी बिश्नोई के अन्य करीबी सहयोगी हैं। बरार को छोड़कर बाकी सभी जेल में। जबकि गोल्डी बरार की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका में और साथ में अलग देशों में जितने भी होने वाले कर्मकांड है उन सभी को संभालता है, यानी कि पूरे नेटवर्क की अगर मेन इंचार्ज की बात करें तो गोल्डी बरार के हाथों में मेन इंचार्ज आता है, जो कि लॉरेंस बिश्नोई की बातों को मानने का काम गोल्डी बरार करता है जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में रह रहा है अभी। लेकिन आखिर में सवाल उठता है कि लॉरेंस बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या क्यों की और किन वजहों के कारण सिद्धू मूसेवाला को गोलियों से छान दिया था। माना जा रहा है कि मूसेवाला की हत्या 2021 में बिश्नोई के एक दोस्त की हत्या का बदला है, यानी रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस का आरोप है कि जब निज्जर की हत्या भारतीय राज्य के इशारे पर की गई तो पुलिस सिद्दीकी की हत्या कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के पहलू की जांच कर रही है। यह बात दिलचस्प है। आखिरकार 32 साल का बिश्नोई जो अभी जेल में बंद है लेकिन 2 देशों में 3 क्राइम केस में शामिल रहा है, लेकिन यह बात उतनी दिलचस्प नहीं है जितनी कि यह उसने सब जेल में रहते हुए किया है। यह वह पिछले 10 साल से जेल में है, जब वो 22 साल का था उसी टाइम उसको जेल में बंद कर दिया गया। जेल में किस प्रकार से पहुंचा आगे बात करेंगे वीडियो में। उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आखिर ये छात्र नेता से गैंगस्टर कैसे बना, यानी 10 साल में बिश्नोई एक छात्र नेता से एक गैंगस्टर बन गया जो देखते ही देखते दुनिया भर के गिरोह का नेता बन गया, और साथ ही इसने दुनिया भर में अपना ऐसा नेटवर्क फैलाया कि कहीं भी कुछ भी कर सकता है। आज के समय में कोई भी नेता हो या फिर कितना ही बड़ा दिग्गज हो या फिर कितना ही बड़ा गैंगस्टर हो, सारे गैंगस्टर, सारे नेता और सारे दिग्गज व्यक्ति इस लॉरेंस बिश्नोई से डरते हैं। यहाँ तक कि जब बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई और उसकी जिम्मेवारी जब लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने ली और गैंग की जिम्मेवारी लेने के बाद वही बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने दो लगातार ट्वीट किया कि 2 कौड़ी के लॉरेंस बिश्नोई के गैंग को 20 घंटे के अंदर खत्म कर सकता हूँ। और उसके बाद लेकिन शाम होते होते पप्पू यादव रोते हुए नजर आए। ये देखने को मिला कि ये लॉरेंस बिश्नोई का डर सता रहा है। आज के समय लॉरेंस बिश्नोई के बारे में कोई भी गलत टिप्पणी नहीं कर सकता है, अगर गलत टिप्पणी करता है तो उसको उतना ही डर सताने लगता है। बात करें लॉरेंस बिश्नोई तो लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क कनाडा, जर्मनी, अमेरिका तक फैला हुआ है। माना जाता है यह एक ऐसा दशक है जिसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश उसके खिलाफ लगभग 4 दर्जन मामले दर्ज किए गए। लॉरेंस एक संपन्न जमींदार परिवार में जन्मा था। बिश्नोई 19 साल की उम्र में फजिलका के समवर्ती गाँव से चंडीगढ़ आ गया और वहाँ पढ़ाई करने लग गया था। जल्द ही छात्र राजनीति में आ गया था और छात्र राजनीति में आते ही लॉरेंस का कानून व्यवस्था के साथ टकराव शुरू हो गया। उसी के साथ लॉरेंस के खिलाफ हत्या के प्रयास का
मामला दर्ज किया गया। बेशक चंडीगढ़ और मोहाली में उनके खिलाफ पहले मामले व छात्र राजनीति का मामला दर्ज किया गया था, लेकिन उन्होंने लॉरेंस की क्राइम की दुनिया में की नींव रखी थी। अगर बात करें लॉरेंस बिश्नोई की क्राइम हिस्ट्री की तो बहुत बड़ी क्राइम हिस्ट्री है। यानी 2011 में युवा अकाली दल के नेता विक्की मुकेश बुद्धखेड़ा अब दिवंगत है, जिन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय के छात्र संघ SOPU के अध्यक्ष के रूप में लॉरेंस बिश्नोई के नाम की घोषणा की थी। और बिश्नोई ने 2021 में हुई अपने दोस्त की हत्या का बदला मूसेवाला को निशाना बनाकर लिया। यानी आप लोग को पता है 2022 में सिद्धू मूसेवाला जो कि महान गायक और काफी फेमस थे, जिनकी हत्या करके इन्होंने बदला लिया था। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई के दोस्त की हत्या के मामले में पुलिस जांच के गायक की भूमिका की ओर इशारा नहीं किया गया था। साल 2023 तक बिश्नोई संगठन अपराध की दुनिया में पेंट बना चुका। खास तौर पर सुरक्षा देना, जबरन वसूली के रॉकेट के साथ टारगेट फिलिंग के मामले शामिल थे। 2014 तक ये जेल जा चुका था। इन्हीं मामलों की वजह से लॉरेंस बिश्नोई को जेल भेजा गया, लेकिन जेल जाना लॉरेंस बिश्नोई को फायदे का सौदा साबित हुआ। जो काम वो जेल के बाहर कर सकता था, वो आज सारे काम जेल के अंदर बैठकर कर सकता है। यानी जितने भी काम किए जा रहे हैं, चाहे सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवाना या फिर बाबा सिद्दीकी की हत्या करवाना, यानी कि जिस प्रकार से उन्होंने जिम्मेवारी ली, इन सभी कामों को जो किया गया लॉरेंस बिश्नोई के द्वारा जेल में बैठकर किया गया। और इसमें गोल्डी बरार का सबसे बड़ा हाथ रहा है सिद्धू मूसेवाला की हत्या में। वही बात आती है सलमान खान को लेकर। अगला सलमान खान के ऊपर सबसे बड़ा दावा सिद्धू मूसेवाला के बाद सलमान खान के ऊपर दावा इसका लॉरेंस बिश्नोई का रहा है। यानी लॉरेंस बिश्नोई का कहना है कि उसका एक ही लक्ष्य है कि सलमान खान को मारना। और सलमान खान ने किस प्रकार से कि ऐसा क्या कर दिया जो कि लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान के पीछे पड़ा हुआ है। 1998 में सलमान खान की एक फिल्म शूट हो रही थी और एक गांव में फिल्म शूटिंग के दौरान काले हिरण की हत्या कर दी गई सलमान खान के द्वारा। लेकिन कहा जाता है कि सलमान खान ने ये जानबूझकर हत्या नहीं की थी, लेकिन ये धोखे से गोली लग गई। लेकिन उसके बाद सलमान खान काफी कंट्रोवर्सी में बने रहे और उसके बाद फिर लॉरेंस बिश्नोई जो कि बिश्नोई समाज से आते हैं, और एक इतिहास रहा है बिश्नोई समाज का कि जिसने जीवों की रक्षा के लिए और पेड़ पौधों और जंतुओं की रक्षा करने के लिए, वन्य जीवों की रक्षा करने के लिए खुद के सरों को कटा दिया है, जिन्होंने इनकी रक्षा करने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की है। यानी बिश्नोई समाज जानवरों और साथ में जीव जंतुओं की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करता है। इसी प्रकार से लॉरेंस बिश्नोई भी बिश्नोई समाज से आते हैं, जिनको जीव जंतुओं से काफी इच्छा है। वही अगर बात करें काले हिरण की, तो काले हिरण माँ की हत्या हो जाती है तो उस हिरण के बच्चे का दूध माँ के स्तन के द्वारा पिलाया जाता है। और इसी वजह से लॉरेंस बिश्नोई अभिनेता सलमान खान को मारने की धमकी देता रहता है। और इसी को देखते हुए बाबा सिद्दीकी की भी हत्या की गई। बाबा सिद्दीकी लॉरेंस बिश्नोई के सामने इस प्रकार से नजर आते हैं, यानी कि सलमान खान और शाहरुख खान को मिलाने का काम बाबा सिद्दीकी ने किया। और साथ ही बाबा सिद्दीकी की हत्या में लॉरेंस बिश्नोई का जो हाथ रहा वो सलमान खान को लेकर रहा। जिस प्रकार से सलमान खान और बाबा सिद्दीकी के करीबी रिश्ते रहे, जिस प्रकार से उन दोनों की दोस्ती रही, इसी को देखते हुए बाबा सिद्दीकी की हत्या की साजिश रची गई। 2018 में वह काले हिरण के शिकार के लिए अभिनेता सलमान खान को मारने की धमकी देकर राष्ट्रीय सुर्खियों में आया था। बिश्नोई समुदाय काले हिरण को पवित्र मानता है, लेकिन अगर बात करें ऐसे कौन कौन से और लोग हैं, ऐसे कौन से दिग्गज हैं जिनको मारने की धमकी सलमान खान के समेत 5 लोग और हैं जिनको देता रहता है, यानी कि लॉरेंस बिश्नोई का निशाना किन लोगों पर है। लॉरेंस बिश्नोई के निशाने की बात करें तो सलमान खान, सुगनप्रीत सिंह गैंगस्टर मनदीप धनीवाल और साथ में गैंगस्टर कौशल चौधरी, बहिमा गेम का हेड अमित डांगर और साथ ही अब बताया जा रहा है स्टैंड अप कॉमेडियन यानी मुनव्वर फारूकी भी इस लिस्ट में शामिल है। मुनव्वर फारूकी की भी जान को लेकर खतरा है। यानी मुनव्वर फारूकी की बात करें तो इस टाइम पर मुनव्वर फारूकी काफी ज्यादा चर्चाओं बने हुए हैं। लॉरेंस बिश्नोई का मानना है कि जब भी कोई व्यक्ति अगर हिंदू देवी देवताओं को अगर गलत तरीके से ट्रीट करेगा या फिर उनको गाली देगा तो फिर वो बख्शेगा नहीं उनको। इसी प्रकार मुनव्वर फारूकी ने देवी देवताओं का मजाक उड़ाया था और ये कहीं न कहीं लॉरेंस बिश्नोई के दिल पर चोट लगी है। इसी वजह से लॉरेंस बिश्नोई अब मुनव्वर फारूकी के पीछे पड़ा हुआ है। मुंबई में NCP अजीत गुट के नेता यानी बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक का संबंध हरियाणा से बताया जा रहा है। आरोपी गुरमेल बलजीत सिंह कैथल के नरार गांव का रहने वाला है। गुरमेल का आपराधिक इतिहास रहा है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक उसके खिलाफ 3 मामले दर्ज हैं, जिसके एक हत्या का मामला है। 31 मई 2019 को उसने अपने चचेरे भाई अपने चाचा के बेटे की धारदार हथियार से हत्या कर दी और सूत्रों के अनुसार उसे कैथल जेल में बंद कर दिया गया था। इस जेल में उसने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साथियों के संबंध स्थापित कर लिए। लगभग 3 से 4 महीने पहले जमानत पर छूटने के बाद वो मुंबई चला गया और उसने अपने संपर्कों को और विकसित कर दिया। तो वही गुरमेल के परिवार की बात करें तो गुरमेल के माता पिता का निधन हो चुका है। शनिवार की रात मुंबई के बादरा इलाके में उनके विधायक के बेटे जीशान सिद्दीकी के कार्यालय के ठीक बाहर 3 लोगों ने 66 वर्षीय सिद्दीकी के रास्ते में रोक लिया और उन्हें गोली मारकर हत्या कर दी। गुरमेल और उसके साथी लगभग 2 महीने से मुंबई में थे और पूर्व मंत्री गतिविधियों पर नजर रख रहे थे। कैथल के तितरम थाने के अंतर्गत आने वाले नरार गांव के रहने वाले गुरमेल के माता पिता का बहुत समय पहले देहांत हो गया था। उसके परिवार
उसकी दादी फूल देवी है, उसके छोटे सौतेले भाई के साथ रहती है। जब दादी से बातचीत की गई तो दादी ने बताया कि मुझे बहुत दर्द दिया है इसने, और दादी ने बताया कि करीब 4 महीने पहले मैं जब कूड़ा फेंकने गई तो बिना बताए घर से चला गया और उसने मुझे बहुत दर्द दिया है। अगर पुलिस उसे गोली मार देती है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने चचेरे भाई की हत्या के लिए कैद के बारे में बताते हुए उसने कहा कि मुझे नहीं कि उसे जेल में किसने निकाला और हमारा उससे कोई नाता नहीं है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो से यही पता चलता है कि जिस प्रकार से लॉरेंस बिश्नोई का गैंग जिस प्रकार से पूरे देश नहीं दुनिया में विस्तृत हो रहा है, यह आने वाले समय में कितना खतरा बन सकता है। लेकिन सबसे बड़ी सोचने की बात तो यह है कि क्या सरकार इनको संरक्षण दे रही है, क्योंकि बिना संरक्षण के कोई व्यक्ति जेल में रहकर इतने बड़े बड़े कांड नहीं करा सकता है। जो व्यक्ति 3 बार विधायक रह चुका है सिद्धू मूसेवाला, जिसकी पूरे देश में और नहीं विदेशों में चर्चाएं रही, लेकिन उस व्यक्ति को जेल में बैठे बैठे अगर लॉरेंस बिश्नोई मरवा सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है। जिस प्रकार से उसको संरक्षण दिया जा रहा है वो सरकार की सबसे बड़ी देन लगती है। इसमें सरकार भी कोई कदम नहीं उठा रही है जिस प्रकार से इसकी जांच चल रही है। वैसे पुलिस की बात करें तो अलग अलग प्रदेशों में इसकी जांच स्टार्ट कर दी है। लॉरेंस बिश्नोई अब तक क्या होता है आगे पता चलेगा, जैसे अपडेट होगी आपको दी जाएगी। और हां आप लोग बताना आज की डॉक्यूमेंट्री आपको कैसी लगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आपने अगर हमें फेसबुक पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो करना। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जय भारत, वंदे मातरम।